चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल रिसर्च अस्पताल सेक्टर 32 के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। धमकी मिलते ही अस्पताल के प्रशासनिक व सिक्योरिटी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही चंडीगढ़ पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड, क्राइम ब्रांच सहित अन्य कई जांच टीमें अस्पताल में पहुंच गई हैं। हमारे पेशेंट्स भी थे, 15 के करीब पेशेंट्स थे, 15-20 कुछ हमारे एडमिटेड होते हैं, कुछ हमारे ओपीडी के होते हैं। तो सारे पेशेंट्स को और हमारे स्टाफ स्टूडेंट सबको। व्हाट वाज द कंटेंट इसमें, बेसिकली क्या लिखा गया था और आपने कब इन्फॉर्म किया पुलिस? मेल में यही लिखा था कि हॉस्पिटल में बॉम्ब है और यू विल ऑल डाई, इस तरह से लिखा हुआ था। और हमने फिर जैसे मेल आई, हमने हायर अथॉरिटीज को, हॉस्पिटल की हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने कॉल करके इन्फॉर्म करवाया। ठीक है, तो हम कितने पेशेंट्स थे एंड ऑल दे आर सेफ, उनको इवैक्यूएट कर लिया गया? ठीक है, थैंक यू। इंस्टीट्यूट में करीब 15 मरीज और अन्य स्टाफ थे, लेकिन धमकी आने के बाद पूरे संस्थान को खाली करवा दिया गया है। इंस्टीट्यूट में भर्ती मरीजों को सेक्टर 48 के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल सहित पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि पूरे इंस्टीट्यूट की तलाशी ले ली गई है, लेकिन यहाँ कुछ भी संदिग्ध बॉम्ब जैसा नहीं मिला। हालांकि अब बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। धमकी भरी ईमेल कहां से आई थी, इसकी जांच अभी भी की जा रही है। डीएसपी दलबीर सिंह ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान कुछ नहीं मिला। मामले में अभी जांच की जा रही है और जिसके द्वारा भी यह ईमेल भेजा गया है उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा पहले से ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। वहां भी विभिन्न जांच टीमों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार भेजी गई मेल में लिखा है कि अस्पताल में बम रखा गया है और जल्द ही धमाका होगा और तुम सब मारे जाओगे। पुलिस का कहना है कि 9:45 से लेकर 10:15 तक बार बार मेल भेजा गया है। वही मेल में चंडीगढ़ के साथ दिल्ली और दक्षिण भारत के भी कई मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को उड़ाने की धमकी दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। हाँ, जो मैं सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी हॉस्पिटल की तरफ से कि यहाँ कोई बम रखने के बारे में मेल मिली उनको, तो हमने अपने सारे कंपोनेंट्स मंगवा कर, टोटल अपने कंपोनेंट्स जितने हरे मंगा कर हमने सारा चेक किया, कुछ नहीं मिला यहाँ। तो अभी कुछ दोबारा से हॉस्पिटल चालू करने के बारे में या रेगुलरली इसके बारे में सीनियर अफसरों से अभी परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के बाद इसको चालू करवा देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।